हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना किचन। आज हम बनाएंगे सूजी की कटोरी केक। ये केक बनाना बहुत ही आसान है और ये केक बनाने के लिए आपको माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है और केक माउल भी जरूरत नहीं है। आप ये घर में आसान तरीके से बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि आप मेरा चैनल का कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें आधा कप दही लिया है, एक चौथाई कप तेल लिया है, आधा कप चीनी और एक कप सूजी लिया है। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी डालना है। अब हम बैटर को कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। 20 मिनट के बाद कवर ओपन कर लेंगे। मैंने इधर एक छलनी लिया है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो। अब छलनी पर 2 चम्मच मैदा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें 1/4 कप दूध डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, केक के लिए बैटर रेडी हो गया है। बैटर का कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। आज हम केक कटोरी में बनाने वाले हैं। मैंने इधर छोटे छोटे कटोरी लिया है, ये देखिए, इस तरह का छोटे छोटे माउल भी आता है। अगर आपके पास माउल है तो आप यूज करिए, नहीं तो आप कटोरी में भी डाल सकते हो। अब कटोरी में थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रेस कर लेंगे। अब केक बैटर को कटोरी में डाल देंगे। सिर्फ आधा कटोरी केक बैटर डालना है, वरना केक बेक करते समय फूल जाएगा और कटोरी से बाहर आ जाएगा। अब हम केक बैटर पर टूटी फूटी डाल देंगे। आप चाहे तो थोड़ा ड्राई फ्रूट भी क्रश करके डाल सकते हो। मैंने इधर एक कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है और कढ़ाई में एक स्टैंड रख लिया है। अब स्टैंड के ऊपर हम कटोरी को रख लेंगे। अब हम कवर बंद कर देंगे और केक को 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। 30 मिनट के बाद कवर ओपन करेंगे और केक बेक हुआ कि नहीं चेक करेंगे। एक टूथपिक केक में इंसर्ट करेंगे, अगर टूथपिक क्लीन आ रहा है मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और केक को कढ़ाई से निकाल देंगे। केक को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब एक नाइफ यूज करके केक को कटोरी से निकाल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया केक बना है और कटोरी में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है और देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखिए केक बनाना कितना आसान है। आप भी घर में ये केक जरूर बनाए और कैसे बनाए मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही एक और न्यू रेसिपी के साथ।